नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। मैं आपको बता दूं, जब किसी भी वस्तु को अगर हम पानी के अंदर डुबोएंगे तो हम देखते हैं, चाहे वो अगर हम एक उदाहरण के रूप में अगर देखें तो अगर एक प्लास्टिक की बॉल को या फुटबॉल को या किसी गेंद को अगर हम पानी की बाल्टी में अगर डुबोते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नीचे से एक कोई बल कार्य कर रहा है, लगता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना कि पानी के अंदर अगर किसी वस्तु को आप डुबोगे तो आपको खुद को यह अनुभव होगा कि नीचे से एक बल कार्य कर रहा है और वह उस वस्तु के द्वारा जो पानी हटाया जा रहा है उसके भार के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही कहता है, जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में अगर डुबोते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में अगर हम ऊपर से डुबोएंगे तो उस वस्तु पर नीचे से एक बल ऊपर की ओर कार्य करेगा जो वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और दैनिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बड़े बड़े जलयान की डिजाइन बनाने में किया जाता है, बड़ी बड़ी जो पनडुब्बियाँ होती है उन पनडुब्बियों में की आकृति या डिजाइन बनाने में भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दूध मापी को कहते हैं लैक्टोमीटर। दूध मापी दूध की शुद्धता को नापने का कार्य करता है कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है, इसको नापने का कार्य दूध मापी करता है। तो यह भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। और चौथा पॉइंट है बर्फ का पानी पर तैरना। ये एक उदाहरण है, आपने देखा होगा किसी गिलास के अंदर या बाल्टी के अंदर या कप के अंदर अगर आप बर्फ का टुकड़ा अगर डाल देते हो तो वह बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर तैरता रहता है, लेकिन जब बर्फ पूरी पिघल जाती है फिर भी पानी का तल वही रहता है, क्योंकि बर्फ के द्वारा हटाए गए पानी का भार उस बर्फ के भार के बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस है कि प्रश्न आएगा। थैंक यू वेरी मच।